सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पेंसिल की कहानी। बच्चों, पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को पहले हम लोग देख लें और उसका हो सके तो अर्थ भी जान लें, ताकि पाठ को समझने में आसानी हो। सबसे पहले बच्चों, आप जब छोटे होंगे आपको याद होगा कि आप लोगों ने पढ़ाई की शुरुआत किस चीज से की थी, याद है कुछ? पेंसिल और चौक और स्लेट पर। चौक से हम लोगों ने, इस तरह से चौक होते हैं और हम लोग श्याम पर ठीक इसी तरह, जैसे बोर्ड है उस तरह से स्लेट छोटे आकार का होता है, उस पर बच्चों की पढ़ाई शुरुआत की जाती है, पढ़ाई की शुरुआत की जाती है। लिखने की क्रिया सिखाई जाती है, पहले लाइन खींचना सिखाया जाता है, फिर उससे अक्षर बनाना सिखाया जाता है, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे बच्चों के हाथ में पेंसिल थमाई जाती है, फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, उन्हें लिखने का अभ्यास अच्छे से आ जाता है, तो फिर कलम से वो अपने लिखाई पढ़ाई करते हैं, ठीक है? और बच्चों, हमें हमेशा यह चीज याद रखनी है कि दुनिया में हर चीज, हर वो छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज में कुछ न कुछ गुण जरूर होते हैं, हमें हर चीज से कुछ न कुछ सीखने को मिलती है, ठीक है? हमें छोटी चीज को यह देखकर यह नहीं समझना चाहिए कि यह चीज जो है छोटी है, इसमें कोई गुण नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें यह कभी भी नहीं समझना चाहिए कि चीजें छोटी हो या बड़ी, हर चीज में कुछ न कुछ गुण छिपे होते हैं, ठीक है बच्चों? पेंसिल, यह पाठ जो है इसमें पेंसिल के ऊपर एक कहानी, एक प्रेरक प्रेरणादायक कहानी, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, वैसी कहानी प्रस्तुत की गई है। चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और उससे पहले पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को जान लेते हैं, जैसे कि शरारत। शरारत ध्यान, महत्व, निरंतर, ग्रेफाइट, लक्ष्य, निर्भर, कार्यप्रणाली और आवश्यकता। शरारत यानी बच्चों के द्वारा की गई ऊटपटांग हरकत या शैतानी को शरारत कहते हैं, ठीक है? ध्यान मतलब एकाग्र होकर हम लोग जो कोई भी चीज सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके लिए कंसंट्रेशन यानी कि हमें ध्यान लगाने की जरूरत होती है, ठीक है? महत्व, कोई भी चीज महत्वहीन नहीं होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो महत्व। निरंतर यानी लगातार। ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर, लकड़ी की जो पेंसिल होती है उसके अंदर एक काले रंग या हल्के भूरे रंग की एक लेड जिसको कहते हैं वो अंदर होती है, उसे भी ग्रेफाइट कहा जाता है पेंसिल में। लक्ष्य हमारा जो टारगेट होता है, हम जो कुछ भी प्राप्त करने के लिए कोई भी कोशिश करते हैं उसे लक्ष्य कहते हैं। निर्भर किसी के ऊपर आश्रित होना, किसी के, जैसे कोई भी कार्य हम लोग को करना होता है तो हम डिपेंड हो जाते हैं, किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, किसी काम के ऊपर तो वो निर्भर, जैसे हमें कहीं जाना है तो हम सवारी के ऊपर निर्भर होते हैं कि हमें सवारी से जाना है, या पैरों से जाना है तो हम पैरों के ऊपर निर्भर होते हैं, या फिर हम अपने वाहन से कहीं जाएं तो ये निर्भर हम आश्रित होते हैं जो वो निर्भर रहता है। कार्य प्रणाली काम करने की जो ढंग होते हैं वो कार्य प्रणाली कहा जाता है। आवश्यकता मतलब जरूरत, हमारी जो जरूरत होती है उसे आवश्यकता कहते हैं, ठीक है? चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ते समय उसमें आए हुए कठिन शब्दों को रेखांकित करते चलेंगे। एक बालक अपनी दादी
माँ को एक पत्र लिखते हुए देख रहा था। अचानक उसने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ, क्या आप मेरी शरारतों के बारे में लिख रही हैं? यह सुनकर उसकी दादी माँ रुकी और बोली, बेटा, मैं लिख तो तुम्हारे बारे में ही रही हूँ, लेकिन जो सब यहाँ लिख रही हूँ उनसे भी अधिक महत्व है इस पेंसिल का, जिसका मैं प्रयोग कर रही हूँ। दादी माँ कह रही, मैं लिख रही हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण इस यह पेंसिल है जिससे मैं तुम्हारे बारे में लिख रही हूँ। मुझे पूरी आशा है कि तुम बड़े होकर ठीक इसी पेंसिल की तरह बनोगे। यह सुनकर वह बालक थोड़ा चौंका और पेंसिल की ओर ध्यान से देखने लगा, किंतु उसे कोई विशेष बात नजर नहीं आई। वह बोला, किंतु मुझे तो यह पेंसिल बाकी सभी पेंसिलों की तरह ही दिखाई दे रही है। बच्चा आश्चर्य से बोलता है दादी माँ को कि दादी माँ, यह पेंसिल तो मुझे बाकी पेंसिलों की तरह दिखाई दे रही है, इसमें क्या खास बात है? इस पर दादी माँ ने उत्तर दिया, बेटा, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम चीजों को किस नजर से देखते हो। इसमें 5 ऐसे गुण हैं जिन्हें यदि तुम अपना लो तो तुम इस संसार में सदा शांतिपूर्वक रह सकते हो। दादी माँ बताती हैं कि बेटा, हम किसी भी चीज को देखते हैं तो वह चीज कितना महत्वपूर्ण है यह तुम्हारे नजरिए पे निर्भर है। बेटा, इस पेंसिल में 5 गुण हैं। अब मैं तुम्हें पेंसिल की गुण बताती हूँ। दादी माँ ऐसा कहती हैं, पहला गुण, तुम्हारे भीतर महान से महान उपलब्धियां प्राप्त करने की योग्यता है, किंतु तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हें एक ऐसे हाथ की आवश्यकता है जो निरंतर लगातार तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। हमारे लिए वह हाथ ईश्वर का हाथ होता है जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करता है। दादी माँ ने कहा कि पहला गुण यह होता है कि हर मनुष्य में, हर वस्तु में कुछ गुण छिपे होते हैं और हर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता रखता है और जरूरत होती है उसे एक ऐसे मार्गदर्शक की जो उसका मार्गदर्शन कर सके, उसे आगे बढ़ने में प्रोत्साहन करे और उसे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करे, रास्ता दिखाए। और वह हाथ होता है, वह मार्गदर्शक कौन होता है? हम ईश्वर होते हैं, ठीक है, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें अच्छी बुद्धि देते हैं ताकि हम अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। दूसरा गुण, बेटा, लिखते लिखते बीच में मुझे रुकना पड़ता है और फिर कटर से पेंसिल की नोक बनानी पड़ती है। बच्चों, जब हम लोग पेंसिल से लिखने का कार्य शुरू करते हैं तो पेंसिल लिखते लिखते घिस जाती है, उसकी नोक छोटी हो जाती है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, लिखने के क्रम में रुकते हैं और पेंसिल के नोक को फिर से नुकीला बनाते हैं। क्या चीज से बनाते हैं? कटर से। इससे पेंसिल को थोड़ा कष्ट तो होता है, किंतु बाद में यह काफी तेज हो जाती है और अच्छी चलती है। इसलिए बेटा, तुम्हें भी अपने दुख, अपमान और हार को बर्दाश्त करना आना चाहिए, धैर्य से सहन करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम एक बेहतर मनुष्य बन सकोगे। बच्चों, हम मनुष्य के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, जिस तरह से पेंसिल से लिखने के क्रम में पेंसिल लिखते लिखते घिस जाती है, उसे कटर से छीलना पड़ता है, उसको कष्ट सहना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, फिर वह नुकीला हो करके वापस सुंदर लिखावट प्रदान करती है। ठीक उसी तरह मनुष्य भी अपने कार्य काल में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हम मनुष्य को उससे घबराना नहीं चाहिए और हमें उस दुख को, कष्ट को सहन करते हुए, अपने हार को, अपने अपमान को भी बर्दाश्त करते हुए हमें अपने कार्य में आगे बढ़ते जाना चाहिए। दादी माँ आगे कहती है, बेटा, पेंसिल का तीसरा गुण सुनो। बेटा, पेंसिल हमारे गलतियों को सुधारने के लिए रबर का प्रयोग करने की अनुमति मांगती है। इसका यह अर्थ है कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ऐसा करने से हमें निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। बच्चों,
जिस तरह से पेंसिल से लिखने के क्रम में अगर कुछ गलती हो जाए तो हम उसे रबर से मिटा करके पुनः सुधार कर लिखते हैं, यानी कि पुनः वही काम फिर से करते हैं और उसे सुधार कर आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमसे, हम मनुष्यों से अगर कोई गलती हो जाए, कुछ भूल हो जाए, तो उस एक भूल के लिए हम पूरे जीवन को बर्बाद नहीं करते। हमें उस भूल को सुधार कर, उस भूल को भूल कर, छोड़ कर हमें आगे बढ़ना होता है। इसके लिए हमें रबर की आवश्यकता नहीं होती है, बस आत्मविश्वास रूपी रबर की आवश्यकता होती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। ठीक है, दादी माँ आगे पेंसिल की चौथे गुण को बताती है। बेटा, एक पेंसिल की कार्य प्रणाली में मुख्य भूमिका इसकी बाहरी लकड़ी की नहीं अपितु इसके भीतर के ग्रेफाइट की होती है। ग्रेफाइट या लेड की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी लेख उतना ही सुंदर होगा। इसलिए बेटा, तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं, इसके प्रति सदा सजग रहो। दादी माँ चौथे गुण को बताते हुए कहती हैं कि बेटा, जिस तरह से पेंसिल की बाहरी सुंदरता से हम यह तय नहीं कर सकते कि पेंसिल कितना सुंदर लिखेगी और उससे लिखावट कितनी सुंदर होगी, बहुत ज़्यादा रंगीन, बहुत ज़्यादा सुंदर आकर्षक दिखने वाली पेंसिल, यह जरूरी नहीं है कि वह उतना ही सुंदर लिखावट प्रदान करेगी। मुख्य बात यह है कि पेंसिल के अंदर लेड या लेड रूपी जो ग्रेफाइट होती है, मैंने पहले ही कहा था भूरे या काले रंग का जो उसके अंदर लेड होता है पेंसिल के अंदर, उस पर निर्भर है कि वह कितने अच्छे गुण का है, कितने अच्छी क्वालिटी का है और वह हमें कितना सुंदर लिखावट प्रदान करेगी। ठीक उसी तरह से मनुष्य के साथ भी यह बात आती है कि मनुष्य देखने में उसका रंग रूप कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसका स्वभाव, उसके विचार अगर गंदे हो तो वह किसी का प्रिय, किसी का प्रशंसनीय नहीं हो सकता है। बच्चों, जरूरत है हम अपने रंग रूप, तो ईश्वर की देन है रंग रूप, चलो ईश्वर की देन है, वो हमें जैसा मिला है हम उसके अनुसार देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो स्वभाव है, हमारे जो विचार हैं, उस पे हमारी पकड़ होनी चाहिए। हम अपने स्वभाव को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, दूसरों के साथ किस तरह से सामंजस्य बैठाते हैं, जरूरत इस बात की है। हम अपने विचारों से सबके प्रशंसनीय बन सकते हैं। ठीक है, अंतिम गुण दादी माँ कहती हैं पेंसिल का अंतिम और पांचवा गुण, बेटा पेंसिल सदा अपना निशान छोड़ती है। रबर से मिटाने के बाद भी पेंसिल से जो हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पे निशान रह जाता है, लेकिन ठीक इसी प्रकार तुम कुछ भी करते हो तो तुम भी अपना निशान छोड़ देते हो। दादी माँ कहती हैं कि पेंसिल से जब हम कुछ गलत लिखते हैं, उसे रबर से मिटाते हैं तो वहाँ निशान छूट जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने अच्छे बुरे कार्यों से निशान छोड़ देते हैं, वो अच्छे बुरे कार्य बाद में या उसके पीठ पीछे चर्चा का विषय बनते हैं। अतः सदा ऐसे कर्म करो कि जिन पर तुम्हें लज्जित ना होना पड़े। हम मनुष्यों को इस पेंसिल से सीख लेनी चाहिए कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमें लज्जित ना होना पड़े, अपितु तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सिर गर्व से उठा रहे हैं। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए बच्चों, हम मनुष्यों को हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि हमें लज्जित ना होना पड़े, हमारे पेरेंट्स को, हमारे माता पिता को लज्जित ना होना पड़े, बल्कि वह सिर गर्व से ऊंचा उठाकर चल सके और गर्व से कह सके कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, व्यवहार पूर्ण हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं। ठीक है, अतः अपने प्रत्येक कर्म के प्रति सजग रहो। हमें अपने प्रत्येक कर्म, हर काम के प्रति सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और सोच समझ के कार्य को करना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें इस पाठ से जीवन मूल्य की शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गलतियों से सीखकर निरंतर लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। हमें गलत कार्य से
दूर रहना चाहिए, ठीक है।